वेलकम टू बिंदास जिंदगी। दलाई लामा चंडीगढ़ में एक बौद्ध कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हुए थे और यहाँ उन्होंने एक बच्चे को किस किया। उसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। आइए जानते हैं क्या है खबर। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने सार्वजनिक मंच से एक छोटे बच्चे को किस करने के मामले में माफी मांग ली है। दरअसल हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्हें एक बच्चे को होठों पर किस करते हुए जीभ को टच करते हुए देखा गया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद दलाई लामा की ओर से आधिकारिक बयान जारी करके मामले पर सफाई जारी की गई है। क्या है आधिकारिक बयान जानते हैं। दलाई लामा के कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चे को दलाई लामा से गले लगने का अनुरोध करते देखा जा सकता है। इस मामले में धर्मगुरु अपने बयान से हुए हानि को लेकर बच्चे और उसके परिवार के साथ साथ दुनिया भर में उनके सभी दोस्तों से माफी मांगना चाहते हैं। दलाई लामा कई बार सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने मिलने वालों को मासूमियत से छेड़ते हैं, हालांकि वे इस घटना पर अपना खेद जता चुके हैं। क्या है वायरल वीडियो में। वायरल वीडियो में हम देख सकते हैं कि बच्चा आध्यात्मिक गुरु को सम्मान देने के लिए झुकता है, तभी दलाई लामा बच्चे के होठों को चूमते हैं और उसके बाद दलाई लामा अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और बच्चे से इसे स्पर्श करने के लिए कहते हैं। पता नहीं आजकल के धर्म गुरुओं को क्या हो गया है, वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं और लोगों के बीच सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि दलाई लामा द्वारा किया गया यह है क्या वो सही है। अपना कमेंट, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।